सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल टेक्निकल मास साहब में। साथियों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें और शेयर कर दें, जिससे और भी शिक्षक साथी इसका लाभ ले सकें। साथियों, आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि UDISE प्रपत्र हमें किस तरीके से भरना है, DCF 2021-22 हमें किस तरीके से भरना है। ये सभी विद्यालयों के लिए अनिवार्य है, सभी विद्यालयों को भरना है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, जिससे और भी शिक्षक साथी इसका लाभ ले सकें और समय से इस प्रक्रिया को पूरा कर सकें। अब ये देखिए, सबसे पहले आप गूगल पर टाइप करेंगे UDISE, तो यहाँ पर देखिए जो सबसे पहले लिंक है ये ऑफिशियल लिंक है। आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये देखिए इस तरीके का इंटरफेस आपको मिलेगा। इस वेब पेज पर नीचे की तरफ आपको ये देखिए ये ऑप्शन मिलेगा, UDISE प्लस डाटा एंट्री फॉर एनुअल ईयर 2021-22। यहाँ पर आप अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे और गो पे क्लिक कर देंगे तो ये देखिए ये इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पर यूज दिस स्क्रीन टू लॉग इन फॉर स्टेट छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश। अगर आप इन चारों राज्यों के हैं तो आपको इसी स्क्रीन को यूज करना है, अदरवाइज आप लॉग इन फॉर अदर स्टेट ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ से ये नया पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज पर आप अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, इन चारों के अलावा जो भी आपका स्टेट है आप उस पर क्लिक करेंगे और आप अपना डेटा कैप्चर फॉर्म भर पाएंगे। अब ये देखिए, हमने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट किया है, यूज़र नेम टाइप करेंगे, पासवर्ड टाइप करेंगे, कैप्चा कोड टाइप करने के बाद लॉगिन पर क्लिक कर देंगे तो ये देखिए इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग द DCF, यूजर मैनुअल और क्लिक हियर टू ओपन DCF। इस पर हमने क्लिक कर दिया इम्पर। अब यहाँ से हमें क्या करना है, हम अपना लैंग्वेज चेंज करेंगे, हमने यहाँ पर हिंदी कर लिया है। अब ये देखिए यहाँ पर इतने फॉर्म हैं, इतने पेज हैं जिन पर आपको डाटा भरना है। अब ये देखिए यहाँ पर आप देखेंगे सेक्शन एक में यहाँ पर 1.52 सब सेक्शंस हैं, इन पर आपको कार्य करना है। पहले में स्कूल का विवरण, स्कूल मूव विवरण अपडेट करें, हमने पहले पर क्लिक कर दिया है तो यहाँ पर हमें स्थान का विवरण भरना है। तो इस पेज पर आपको डिटेल्स ऑटोफिल मिलेंगी, यहाँ पर आप देख लेंगे कि आपके विद्यालय की डिटेल्स ठीक है या नहीं है। इस पेज पर आप कुछ भी अपडेट नहीं कर पाएंगे, अगर आपको अपडेट करना है तो आप BRC पर संपर्क करेंगे। अब आप दूसरे पेज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए स्कूल संपर्क विवरण, प्रधानाचार्य प्रभारी का विवरण, स्कूल का स्थापना वर्ष, संबद्धता का बोर्ड विवरण, तो ये आप यहाँ पर अपडेट करना है। तो ये देखिए यहाँ पर स्कूल संपर्क विवरण दिया हुआ है, फ़ोन नंबर दिया हुआ है, मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप उसको देख लेंगे। प्रधानाचार्य प्रभारी का विवरण, यहाँ पर अभी नाम नहीं आ रहा है तो आपको प्रधानाचार्य का डाटा ऐड करना पड़ेगा। ये देखिए प्रतिवादी का प्रकार हेड सेलेक्ट किया है हमने, प्रतिवादी का नाम टाइप करेंगे और मोबाइल नंबर टाइप करेंगे। अब इसके नीचे देखिए यहाँ पर ये है कक्षा के अनुसार अनुभागों की संख्या, यदि कक्षा में कोई अनुभाग नहीं है यानी सेक्शन नहीं है तो एक दर्ज करें। तो यहाँ पर हमने हर क्लास में एक टाइप कर दिया है, ये देखिए कोई सेक्शन नहीं है तो ये देखिए हमने यहाँ पर पांचों क्लासेस में एक एक टाइप कर दिया है। स्कूल का स्थापना वर्ष आप देख लेंगे, स्कूल को मान तो जो स्कूल का स्थापना वर्ष है वही मान्यता प्राप्त का वर्ष है। अब इसके बाद इस फॉर्म में आप आगे देखेंगे क्या यह विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए एक विशेष स्कूल है, तो हमारा ये विद्यालय नहीं है। क्या यह पाली में संचालित होता है, तो वो भी नहीं होता है। तो आप यहाँ पर ऑप्शंस देख लेंगे और आप इस पेज को कंप्लीट कर लेंगे, यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं जिसमें आपको दिक्कत हो भरने में। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके मुझे बता दें, मैं आपकी समस्या का समाधान बता दूँगा। ये देखिए आप इस तरीके से यहाँ पर हाँ नहीं में आपको डिटेल्स देनी है तो वो आप यहाँ पर दे देंगे। इसके बाद जमा करें और अगला, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, ये डिटेल्स आपको भरनी होंगी। तो उसके बाद हम देखते हैं अगले पेज पर, अगले पेज पर आपको MOI और अन्य विवरण, निर्देश का माध्यम, भाषा, RTE, CCE आदि, तो ये विवरण आपको इस पेज पर देना है। तो ये देखिए स्कूल में पढ़ाने का माध्यम, इस पेज पर भी बहुत
ऐसी चीज़ें नहीं हैं जिन्हें आपको कंप्लीट करने में दिक्कत आए। देखिए, माध्यम हमारे यहाँ हिंदी रहता है, हमने हिंदी सेलेक्ट किया है। उसके बाद ये देखिए, विषय के रूप में पढ़ाई गई भाषा, तो हिंदी पहले पे आ रहा है, दूसरे पे संस्कृत और तीसरे पे इंग्लिश, हम तीन भाषा पढ़ाते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पर कक्षाएँ सेलेक्ट करनी है, तो हिंदी 1 से लेके 5 तक चलती है, ये देखिए। उसके बाद संस्कृत क्लास 3, 4 और 5 में चलती है, तो हम यहाँ पर 3, 4, 5 सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इंग्लिश 1 से लेके 5 तक चलती है, तो हम यहाँ पर कक्षाएँ चुने ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ से हम 1 से लेके 5 तक क्लास सेलेक्ट कर पाएंगे। देखिए, इस तरीके से आप क्लास सेलेक्ट कर लेंगे। अब इसके बाद इस फॉर्म पर जब आप आगे देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए शिक्षण दिवसों की संख्या, तो ये आप देख लेंगे कितने शिक्षण दिवस कार्य किया है आपने। बच्चों के लिए औसत स्कूल समय प्रतिदिन 5 घंटे, अध्यापकों के लिए 6 घंटे, तो ये आप यहाँ पर समय भर देंगे। उसके बाद क्या स्कूल में सतत और व्यापक मूल्यांकन लागू किया जा रहा है, तो हाँ किया जा रहा है, आप हाँ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट और दे रखे हैं, क्या छात्र छात्राओं का संचयी रिकॉर्ड रखा जा रहा है, हाँ, यदि हाँ क्या छात्रों के संचयी रिकॉर्ड को उनके माता पिता के साथ साझा किया जा रहा है, तो आप इस तरीके से यहाँ पर भर देंगे। शैक्षिक सत्र कब शुरू होता है, तो अप्रैल में शुरू होता है, जमा करें और आगे बढ़ें। अब इसमें प्रबंधन और अन्य विवरण, ये डाटा आपको यहाँ पर देना है। तो ये देखें, क्या आंगनवाड़ी केंद्र स्कूल परिसर के अंदर स्थित है, अगर आपके यहाँ आंगनवाड़ी है तो आप हाँ लिखें, नहीं है तो नहीं लिखें। अब इस पर आंगनवाड़ी की डिटेल्स आपको देनी है, तो इस पर भी कोई विशेष ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें आपको भरने में दिक्कत हो। सारी डिटेल्स भरने के बाद जमा करें और आगे बढ़ें पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद हम अगले पेज पर देखेंगे, अगले पेज पर हमें किस तरीके से डाटा भरना है। देखिए, क्या स्कूल में बहुकक्षा कक्ष हैं, अगर हाँ है, बहुकक्षा कक्ष का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर एक ही क्लास में आप एक से ज़्यादा क्लास के बच्चों को बिठा रहे हैं, अगर आप हाँ करेंगे तो कक्षाएँ चुने, यानी हम 1 और 2 के बच्चों को एक साथ बिठा रहे हैं तो आप 1 और 2 सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप 3, 4, 5 के बच्चों को एक साथ बिठा रहे हैं तो आप 3, 4, 5 को सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर डिटेल भरेंगे। उसके बाद क्या स्कूल के किसी स्कूल परिसर का भाग है, अगर है तो हाँ कर दें, अदरवाइज नहीं कर दें। क्या स्कूल परिसर के लिए एक हब स्कूल है, तो हब स्कूल वहाँ पर जैसे कंपोजिट स्कूल हुए हैं एक ही कैंपस में हैं, तो आप हाँ भरेंगे, अदरवाइज आप नहीं। उसके बाद जमा करें और अगला पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों, शिक्षण अधिगम सामग्री, खेल सामग्री और ग्रेडेड पूरक सामग्री के लिए उपलब्धता यहाँ पर आपको बतानी है। क्या निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का एक पूरा सेट प्राप्त हुआ, तो आप यहाँ पर हाँ भर देंगे, प्राप्त हो गया है। वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2021-22 में पाठ्य पुस्तकें कब प्राप्त हुई, तो जिस महीने में आपको प्राप्त हुई आप वो भर देंगे। क्या प्रत्येक ग्रेड के लिए TLM उपलब्ध है, तो ये देखिए पहला कॉलम पूर्व प्राथमिक के लिए है और दूसरा कॉलम प्राथमिक के लिए, तो आप यहाँ पर देख लेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें उपलब्ध हैं। उसके बाद आप अगले पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए, शिक्षण सीखने सामग्री आदि पर प्रमुख प्रदर्शन संकेतक KPI, कुल सृजित सीखने के परिणाम आधारित मूल्यांकन मदों की संख्या। अब ये देखिए, यहाँ पर सब पॉइंट दे रखे हैं, क्या इस स्कूल के स्कूल शिक्षकों ने शिक्षण और सीखने के लिए शिक्षण सहायक उपकरण बनाए हैं, तो ऊपर क्लास दे रखी है 1, 2, 3, 4, 5, तो आप यहाँ पर हाँ पर और नहीं का विकल्प चुन सकते हैं। सीखने के परिणामों में पहचाने गए हॉट स्पॉट की कुल संख्या, तो वो आप यहाँ पर देख लेंगे, जमा करें और अगले ऑप्शन पर आप बढ़ जाएंगे। अब इस पेज में आपको भौतिक सुविधाएं, उपकरण, कंप्यूटर और डिजिटल पहल की जानकारी देनी है। तो ये देखिए, स्कूल भवन की स्थिति गवर्नमेंट है, स्कूल भवन का प्रकार, तो यहाँ पर देखिए ये डिटेल्स यहाँ पर ऑटोफिल हैं। स्कूल में उपलब्ध सक्रिय बिल्डिंग ब्लॉक्स की कुल संख्या 1, तो आप यहाँ पर देख लेंगे जहाँ आपको चेंज करना है वहाँ पर आप इसको चेंज कर देंगे। अब ये देखिए, निर्देशात्मक उद्देश्यों के लिए
अब ये देखिए यहाँ पर स्थिति के अनुसार पठन कक्षों की संख्या, तो आप अपने विद्यालय में पठन कक्षों की संख्या बता देंगे, जमा करें और अगला पर क्लिक कर देंगे तो ये डाटा सेव हो जाएगा और आप अगले पेज पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर शौचालय की सुविधा के बारे में आपको डिटेल्स देनी है, तो यहाँ पर आप देख लेंगे कि CSWN बच्चों के लिए कितने शौचालय पर डिटेल्स भर देंगे। ये देखिए यहाँ पर CW अनुकूल शौचालयों को छोड़कर उपलब्ध शौचालय सीटों की संख्या, CWSN अनुकूल शौचालय सीटों की संख्या, तो यहाँ पर आप डिटेल भर देंगे। आपके विद्यालय में जो सुविधाएं उपलब्ध हों उसके अनुसार आप यहाँ पर डिटेल भर देंगे, नीचे टोटल आ जाएगा। अब ये देखिए उपलब्ध मूत्रालयों की संख्या, वो संख्या आप यहाँ पर लिख देंगे। शौचालय लड़के लड़कियों के लिए कितने हैं, मूत्रालय कितने हैं, ये डिटेल इस पेज में आपको भरनी है और आप इसको जमा करें और अगला पर क्लिक करेंगे तो ये डाटा आपका सेव हो जाएगा और आप अगले पेज पर आ जाएंगे। अब इस यहाँ पर आपको स्कूलों में भौतिक सुविधाएं और उपकरण, स्कूल में प्रमुख प्रधान शिक्षक प्रधानाचार्य के लिए अलग कक्ष, अगर है तो हाँ सेलेक्ट करें, नहीं है तो नहीं सेलेक्ट करें। पुस्तकालय के लिए अलग कक्ष, ये आप देख लेंगे, अगर आपके यहाँ है तो हाँ भरें, अदरवाइज नहीं भरें। क्या स्कूल में निम्नलिखित प्रयोगशालाएं हैं, तो ये केवल उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए है। क्या स्कूल में निम्नलिखित उपकरण हैं, तो ये आप देख लेंगे, जमा करें और अगला पर आप क्लिक करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पर कंप्यूटर और डिजिटल पहल की जानकारी आपको देनी है, क्या आपके विद्यालय में कंप्यूटर है, डेस्कटॉप PC लैपटॉप नोटबुक, तो यहाँ पर आप देख लेंगे जो सुविधा आपके विद्यालय में है उसके लिए आप हाँ सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज आप नहीं सेलेक्ट करेंगे। जमा करें और आप अगला पर क्लिक करेंगे तो आप अगले पेज पर आ जाएंगे। देखिए छात्रों के लिए कंप्यूटर लैब नहीं है, स्कूल में ई सामग्री डिजिटल सामग्री संसाधनों तक पहुंच नहीं, स्कूल में ई सामग्री डिजिटल सामग्री संसाधनों तक पहुंच, तो ये डिटेल आप यहाँ पर हाँ या नहीं में आपको भरनी है, तो ये आप भर लेंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे तो ये आपका फॉर्म सेव हो जाएगा और आप अगले पेज पर आ जाएंगे। अगले पेज पर आपको देखिए क्या डिटेल्स देनी है, ये हम देख लेते हैं। शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कर्मचारी स्टाफ, तो यहाँ पर आपको स्टाफ की डिटेल देनी है। अब ये देखिए सबसे पहले गैर शैक्षणिक स्टाफ, लेखाकार लेखपाल, तो ये सारे हमारे यहाँ नहीं है। अगर किसी विद्यालय में चपरासी MTS है तो आप यहाँ पर देख लें, जो भी हो आपके यहाँ उनके संख्या आप यहाँ पर दर्ज कर दें। और यहाँ पर आप शिक्षक शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों की डिटेल आपको देनी है, जमा करें और आप आगे बढ़ने पर क्लिक करें। तो अब ये देखिए शिक्षकों और प्रशिक्षकों का विवरण, प्रधानाध्यापक प्रधानाध्यापिका सहित, तो यहाँ पर अब आपको अपना शिक्षकों का विवरण देखना है। देखिए कुल नियमित शिक्षक 2 और गैर नियमित शिक्षक 1, तो यहाँ पर शिक्षकों की डिटेल्स आ रही हैं। और ये देखिए हर शिक्षक के आगे संपादित का बटन है, तो आप जो डिटेल्स आपको अपडेट करनी है तो आप संपादित पर क्लिक करेंगे तो संबंधित टीचर की डिटेल अपडेट कर पाएंगे। अगर कोई शिक्षक आपको हटाने हैं तो आप हटाएं ऑप्शन पर क्लिक करें, ये देखिए अगर आप अपडेट पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से टीचर से संबंधित फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म में आप देख लेंगे, जहाँ भी आपको दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें तो उसका समाधान मैं आपको उपलब्ध करा दूँगा। ये आप कंप्लीट फॉर्म देख लेंगे, इसको कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद अगले पेज पर आपको क्या डिटेल्स देनी है ये हम वीडियो में आगे देखेंगे। यहाँ पर देखिए प्राप्त किया गया प्रशिक्षण, उच्चतम व्यावसायिक योग्यता, यहाँ पर अगर जो प्रशिक्षण आपने प्राप्त कर रखे हैं वो लिखने हैं, प्रशिक्षण की आवश्यकता क्या है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर भर लेंगे। उसके बाद आप जमा करें और अगला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप अगले पेज पर आ जाएंगे। बाकी की डिटेल्स हम अगले वीडियो में देखेंगे। जब आप अगले पेज पर आएंगे तो अगले पेज पर आपको शिक्षकों और प्रशिक्षकों का विवरण ये देना है आपको, भाषाएं जिनमें शिक्षक को कार्य साधक ज्ञान है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख लेंगे और इनको कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर भी आपको हाँ नहीं में ही जवाब देना है। क्या विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ है, तो इस पेज पर आप देख लेंगे, भाषाएं जिनमें शिक्षक को कार्य साधक ज्ञान है, तो ये देखिए यहाँ पर आपको
ये सारी डिटेल्स भरनी होंगी, तभी आप अगले पेज पर जा पाएंगे। साथियों, आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, जिससे और भी शिक्षक साथी इसका लाभ ले सकें और समय से इस प्रक्रिया को पूरी कर सकें। बाकी अगले फॉर्म हम अगले वीडियो में देखेंगे। साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।